अस्सलामु अलैकुम। कराची में एक और जाली पुलिस मुकाबला। दो बच्चों का बाप वासिफ जिंदगी की बाजी हार गया। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में जाली पुलिस मुकाबले में पुलिस की मुबैना फायरिंग से फैक्ट्री मुलाजिम वासिफ जाबहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग करने वाले तीनों अहलकारों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इब्तिदा में अहलकारों ने वाकये को पुलिस मुकाबला करार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वासिफ को करीब से एक ही गोली लगी जो पेट पर लगकर सीने से पार हो गई। गोली किस पिस्तौल से चली, एमएलओ ने इस पर तबसरे से इनकार कर दिया। वासिफ की अचानक मौत से गम से निढाल अहले खाना सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना है कि 28 साल वासिफ दो मासूम बच्चों का बाप था। वासिफ के भाइयों का कहना है कि उसे बरवक्त अस्पताल ले जाया जाता तो वो बच सकता था। नौजवान की वालदा ने भी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है।